बागेश्वर जिले को कीवी का हब बनाने की दिशा में उद्यान विभाग नए स्थानों में भी कीवी का प्लांटेशन कर रहा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यावसायिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि कपकोट का सामा क्षेत्र कीवी उत्पादन के क्षेत्र में देशों विदेश में नाम रोशन कर रहा है। यहाँ की उत्पादित कीवी की बाहरी जिलों में भी काफी डिमांड है। उन्होंने बताया कि कीवी की खेती करने वाले किसान प्लांटेशन के बाद 3 साल तक उन खेतों में अन्य खेती भी कर सकते हैं। उद्यान विभाग की कोशिश यदि रंग लाती है तो बागेश्वर जिले को कीवी का हब बनाने की कल्पना को साकार किया जा सकता है। देखिए, कीवी के क्षेत्र में डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें हमने 11 काश्तकारों के वहाँ एक एक एकड़ में कीवी का प्लांटेशन करा दिया है और 10 किसानों के वहाँ मुझे और कराने का टारगेट मिला है। तो इस तरह से हम 21 किसानों के वहाँ हम प्लांटेशन एक एक एकड़ में करवा रहे हैं, जिसमें कि 133 पौधे एक एकड़ में लग रहा है। और जो पौधे हमारे लग गए हैं उसमें अब धीरे धीरे कल्ले भी फूटने शुरू हो गए हैं और हमने प्लांटेशन बहुत समय से करवा दिया है। और यही नहीं, जो किसानों की जो मांग थी और सरकार की जो मंशा थी और जो हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, इनका भी एक सोच था कि इस जनपद को कीवी का हब बनाने का, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय भी इसमें बड़ा रुचि दिखाए थे और यहाँ से स्कीम बना करके शासन को भेजी गई थी, शासन ने उसमें मंजूरी दे दी है और साथ में जो इसकी घोषणा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो जो शासन की मंशा है, जो हमारे मुख्यमंत्री, उद्यान मंत्री, उद्यान निदेशक और भारत सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मंशा है स्वरोजगार का, तो स्वरोजगार के भी दृष्टि में कीवी जो है वह बहुत लाभदायक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे 1 एकड़ में 5 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ का पर ईयर की इनकम जनरेट हो रही है। और दूसरी चीज़ की जो हमारे पहाड़ पे बंदर 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 जो रटे जाते थे, तो बंदरों से भी इस पर नुकसान नहीं है। अच्छा सर, ये बागेश्वर में किन किन जगहों में इसका क्लाइमेट सूट करता है और किन किन जगहों में ये हो सकता है? बताया जाता है कि ये हाई एल्टीट्यूड में ही होता है, क्या आता है? देखिए, ये 1200 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पे इसकी खेती की जा रही है। और बागेश्वर में तो अभी सामा में हमारा 600 कुंटल कीवी का इस वर्ष उत्पादन हुआ था। और आपको बताऊं कि हमारे साइज को देख करके, हमारे कीवी की गुणवत्ता को देख करके 220 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हमारी कीवी बिकी है। और इसको, इसके ऊपर आकर्षण इतना अच्छा है कि आज़ादपुर मंडी और लखनऊ मंडी से भी आड़ती आके यहाँ से कीवी ले गए हैं। और इस साल हमने प्लांटेशन लगभग 6 एकड़ में हमने सामा में किया है, गासी में किया है और आपके कपकोट विकासखंड बागेश्वर में, बाजगांव में किया है, जोलकांडे किया है और ये ऊपर 7 रतवे में भी हमने 2 लोगों के वहाँ किया है। इतने हमने प्लांटेशन करा दिए। और सामा में अभी 5-6 किसान के वहाँ प्लांटेशन का गड्ढा खुदान का काम शुरू हो गया, पूर्ण हो गया है। पौधे हमें आवंटित हो गए हैं, आज ही लेटर आया है, इसको मैं पौधे दे करके रोपित कराने जा रहा हूँ। एक साल की माना जाता है कि ये कीवी की खेती जो है 3 साल में पैदावार देती है, उसको लाभ देती है, तो ये किसानों के लिए लंबा इंतजार होता है, तो इस बीच में वो क्या कुछ और खेती उसमें कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पांडे जी। इसमें मैं आपको बता दूँ कि इंटरक्रॉपिंग, कीवी जब तक ये पूरी अपने बेल के रूप में फैल नहीं जाती है तब तक किसान इसमें सब्जी का खेती कर रहा है, बंद गोभी कर रहा है, फूल गोभी कर रहा है और इसके साथ साथ ये पालक है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये खेती अपना कर रहा है। इसके साथ साथ जो बड़े काश्तकार हैं वो गेहूं और धान भी ले रहे हैं। और किसानों को मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप अदरक और हल्दी की भी खेती इसमें कर सकते हैं, जब तक हमारा पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता है तब तक। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।